दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय पिछोर में हूँ। ज्योतिराज सिंधिया अभी अपना कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद गए हैं। तमाम लीडर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय यहाँ पर हैं और जो पिछोर की राजनीति को गर्मा हुई है। केपी सिंह मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी जो घोषित किया गया है वो भी ऐसे कहने के लिए नहीं है तैयार कि हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं। मतलब अभी दो तीन दिन में क्लियर होगा कि कांग्रेस से कौन चेहरा बनेगा। प्रीतम सिंह लोधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है, क्या नाम? ब्रजमोहन लोधी। क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया हमारी। की हिसाब से बढ़िया? कक्का जी लग गए सो बढ़िया। नहीं नहीं कक्का, मैं तो ये चाहता हूँ कक्का जी वापस आए और चुनाव लड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। का करने आए? अब वो दिया जलाने आए? नहीं दिया नहीं, हम तो भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि विधायक जी दोबारा लौट के आए। तुझे भक्त आए गए? अब जीत इस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। जी के खिलाफ कुछ चुनाव की तैयारी कर रहे तो प्रत्याशी सामने तो भी भग गए? नहीं नहीं नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और जो संस्कार दिए हैं हमें माता पिता ने, पार्टी ने, और जो हमारे पार्टी ने काम किया है हम उसकी बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया जी आए, क्या कह गए? सिंधिया जी आए, अपनी पार्टी के लिए काम करो, ईमानदारी से करो। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसको उनको संबोधित किया सिंधिया जी ने। तो काम तो कर ही रहे, तुम हमारे लायक कर रहे जानी पूछी को? सिंधिया जी, सिंधिया जी ने बहुत कुछ किया। आज तक जो भी किया है क्षेत्र के लिए आदरणीय सिंधिया जी की बदौलत है कि सिंधिया जी ने हर काम में हमारा सहयोग किया है। उसी सांसद को चुनाव इस लड़ने के कहां दूसरी जगह चले? नहीं, मैं इस बात को नहीं, मैं अभी वर्तमान में केपी यादव सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ। भैया का नाम? मेरा रामेश्वर। क्या स्थिति है? कक्काजी कितने हैं? कक्काजी शिवरी चले गए, अगर आ भी जाए तो भी हार रहे हैं और लड़ते तो भी हारते ही। अरे जब तो जीते ही रहे थे, काटे की टक्कर थी। नहीं कोई, इस बार तो जनता ने मूड बना लिया, प्रीतम लोधी को 20,000 वोटों से जिताते। कक्काजी भी लड़ते तो भी प्रीतम लोधी। जब से हमने जा सुनी कक्काजी भग गए, प्रत्याशी को चेहरा लटक गया, बेचारे नाराज देख रहे, मजे नहीं आ रहा, कार्यकर्ता होता। देखो क्या है कि दम से दम होता है तो चुनाव अच्छा होता है। पहलवान होते हैं। अब क्या है कि अकेला पहलवान हमारा है और सामने वाला कोई नहीं है। पिछोर की स्थिति बढ़िया है। कहाँ है बताओ ना, कहाँ बढ़िया? बढ़िया है, प्रीतम भाई जो जीते हैं कम से कम 1,00,000 वोटों से। एक लाख से पार करेंगे और अब की बार 200 पार पूरे मध्य प्रदेश में। सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, मैं कह रहा हूँ कि जमानत तो जब्त होगी, वो तो बहुत बड़ी बात है। अपनी जमानत तो बचा नहीं पा रहे वो, और अभी तो उनका जीत क्लियर नहीं कर पाएगा। लड़े कौन? कक्काजी वापस आ रहे। हम तो लड़े आए थे वैसे, लेकिन तो हम क्या करें, भाई को हराना। महाराज साहब सिंधिया जी के नेतृत्व में जब उनका हाथ हुआ इस पिछोर से विधानसभा सीट पर नजर आई तो आदरणीय कक्काजी भग गए शिवरी के लाए हैं और शिवरी भाई खदेड़ रहा है ऐसे, जो कहता हूँ कि नहीं दे रहा है शायद चुनाव के बाद भाजपा में आए हुए हैं। चुनाव के बाद भाजपा में आ रहा है। पिछोर की एक कहानी है, सेमई भगवान की कुतिया। जाके पहले गई पंगत जी सेमई, फिर पहुंची भगवान, सेमई में पहुंची सोते पंगत हो गई खत्म, फिर भगत गई भगवान, सोते पहुंची सोते ही पंगत खत्म। बाकी चप्पले और बाकी प्रत्याशी कह रहे थे हम नामांकन भरवे नहीं जा रहे हैं, अब भी दूसरा प्रत्याशी अरविंद लोधी को उतार रहे हैं। हाँ 10,000 से ज्यादा अरविंद लोधी नहीं ले जा पा रहे। 3-4 दिन बाद 22 तारीख को यूपी से लड़े लड़े तो 10,000 होते केपी सिंह जी का स्थिति डगमा डोल है और वे बूढ़े भी हो गए, 60 वर्ष के ऊपर हो गए। अरे बूढ़े हम पहलवान शेर है आज भी 100-150 गाय का दूध। पहलवान बूढ़ा होने के बाद भी शेर है, हमारे पहलवान की 66 साल की उम्र है। लेकिन क्या आपको लगता है 66 साल का हमारा शेर है? मैं जी कह रहा हूँ वो तो यहाँ से चले गए, उनने ऐसा प्रत्याशी उतारा कि खनिया धाना से वो पार्षद का ही चुनाव हार गया तो विधानसभा का क्या जीतेगा? पहले तो आप ये बताएं। अरे अब तो हमारा कोई कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ ले तो जीत जाएगा। अच्छा भाई साहब की तो बात अलग, भाई साहब तो कम से कम 1,00,000 से वोट जीतेंगे। अरे उत्साह कार्यकर्ता होता है। अरे तो आप ये बताइए, एक आदमी के संग में औरत को लड़ा दिया जाए, हम तो उसको औरत मान रहे। और वकील साहब बताओ क्या है? देखिए पिछोर विधानसभा का चुनाव आदरणीय प्रीतम लोधी जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की समस्त युवा जो टीम है वो लड़ रही है। और मैंने कहा था विधायक जी से भी कि जब युवा अगर यहाँ का एक हो गया ना तो आपको मैदान तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोई टेंशन में तो चलेगा युवा शक्ति यहाँ की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला बनाओ संघर्ष समिति को,
जो 15,000 लोगों को आदरणीय पंजाब सिंह भाई साहब जिला बनाओ संघर्ष समिति की टीम को लेकर आए, और जिस दिन पंजाब सिंह भाई साहब जी यहाँ आए उसी दिन वो मैदान छोड़कर सीपरी के लिए निकल गए। तो मैं भैया या पिछोर के पिछोर के उन समस्त माई के लालों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनको विधायक जी ने कहा था कोई माई का लाल नहीं है कि जो मुझे पिछोर विधानसभा से चुनाव हरा सके, तो आज वो हमारा सपना पूरा हुआ है। वो मैदान छोड़ गए, हमारे लिए तो वो चुनाव ही हार गए हैं। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, सभी युवा टीम के साथियों को जिन्होंने वो माई के लाल की चुनौती को स्वीकार किया। सातवीं बार विधायक बनने हैं शिवपुरी से, बने बिल्कुल नहीं बन पाएंगे शिवपुरी से, मैं वादा करता हूँ इस चीज का, वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है कि विधायक जी के रहते हुए पिछोर विधानसभा से विधायक बन सके। घमंड तो रावण का भी नहीं चला, घमंड कहीं ना कहीं रावण का भी खत्म हुआ था। ऐसे यहाँ के युवाओं ने जो 18 से 30 की जो हमने टीम बनाई थी, युवाओं की टीम बनाई थी, उस टीम ने रात दिन एक किया और आज भी मेहनत करेंगे। और ऐतिहासिक पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पूरे मध्य प्रदेश में हम पिछोर विधानसभा से आम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वे अपनी बात कर रहे हैं, जो कांग्रेसी हैं और उनके जो खास हैं वे जा कह रहे हैं कि सिंधिया से लड़े पहले शिवपुरिया चले गए वे। आप देख लो कि यहाँ जब ये स्थिति है तो वहाँ क्या स्थिति हुई है। महाराज महाराज हैं, महाराज के सामने तो टिकना मुश्किल है। जब आप एक यहाँ से छोड़ के भाग गए 6 बार के विधायक होते हुए, सत्ता तो भाई महाराज महाराज होते हैं, महाराज महाराज हैं। देखिए महाराज महाराज साहब ने कभी राजनीति अपने लिए नहीं की। आज अगर महाराज साहब को कांग्रेस के लोग बोले कि महाराज साहब ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों आए, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ और युवा साथियों को बता देना चाहता हूँ, महाराज साहब ने जो वो बलिदान दिया था वो युवाओं के लिए दिया था। महाराज साहब ने अतिथि शिक्षकों के लिए परमानेंट के लिए बोला था, महाराज साहब ने किसान के कर्ज माफ़ी के लिए बोला था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने महाराज साहब की एक भी योजना को पूर्ण नहीं किया और उन्हीं के चलते महाराज साहब ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने सभी समर्थकों के साथ सभी विधायकों के साथ वो बीजेपी में आए थे और सरकार बनाई। बीजेपी का जो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मान लो शैलेंद्र सिंह, उन्होंने उतार दिया सामने। देखिए उनका तो मेरे पास भी फोन आते हैं कई लोगों के कि भाई साहब आपके पिछोर से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो कहाँ से हैं। तो मैं मानता हूँ कि उनका पूरी पिछोर विधानसभा में अभी लोग नाम तक नहीं जानते, मतलब परिचित ही नहीं है। जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है कहीं ना कहीं उनको पिछोर विधानसभा में खनिया धाना में तक उनका नाम नहीं जानते। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मान लो कि पिछोर में बहुत मजबूत है, कक्काजू से पूरी चले गए, अगर महाराज सामने आ गए तो 5 ही सीटों पे असर पड़ा है कि एक ही सीट, 5 सीटें भाजपा में है। और आप सर्वे देख लीजिए, ग्वालियर चंबल की 34 में अगर महाराज साहब यूपी से लगा तो 34 में 34 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। विधानसभा की 5 सीटें भगवा में है, भाजपा सरकार जीतेगी 5 सीटें और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सिंधिया एक बहुत बड़ा इतना बड़ा चेहरा है और महाराज सिंधिया का एक नेता नहीं है, महाराज सिंधिया गरीबों का मसीहा है। जब से सांसद महाराज सिंधिया बनते आ रहे हैं तब से अभी तक आप पता कर लेना, उसने आज तक जो तनख्वाह होती है ना वो नहीं ली अभी तक। वो हाँ, वो क्या होता है जो गरीबों के लिए एक ट्रस्ट चलता है उसमें जमा उनकी तनख्वाह होती है। एक पंडित जी महाराज, उन्हें बीमारी हो गई थी, वो महाराज के पास गए, उन्होंने पूछा कि बीमारी तो छोटी मोटी बात है, मैंने पूछी कि बीमारी किसने करवा दे, पूरी महाराज पूरी तनख्वाह गरीबों का लगाते हैं। रुपया नहीं लिया उन्होंने तनख्वाह का अपना, कभी एक रुपया नहीं। पूरे जो एम्स में है उनका ट्रस्ट चलता है, एम्स में पूरे पैसे उनकी तनख्वाह के वो जमा करवाते हैं। नेताजी कल कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा। हाँ देखो, हम चाहते थे कि रण में रह के बाजी मारे, पहलवान को चाहिए, लेकिन चाहिए तो बनाई आप समझ रहे ना। हमने तो दंगल करवाया था अखरार खेड़ा, तो हमने तो वहाँ भी ललकार था कि भाई अब दो हाथ ही हो जान दो, लेकिन वो तो आई नहीं ना, आई नहीं जा। हम संघर्ष लोग हैं और रण में लड़ना चाहते हैं। जब पूरी में पूरी आएंगी गरीब आदमी है, बीजेपी तो गरीब पार्टी है, पैसा वाली तो कांग्रेस है, वो तो 70 साल से राज किया है तो रहे हैं वो पैसा नहीं जुड़ रहा, 200 रुपए के रूम में बात नहीं है। पीतम लोधी जी 100 रुपए चंदा नहीं जुड़ रहा, वो कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति का आशीर्वाद ले रहे हैं 100 रुपए, जिससे कि कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ा रहा है कि हमने भी योगदान दिया और वोट तो होगा ही और उनका मजबूत हौसला होगा कि हमने भी योगदान दिया, वो भी एक विधायक के रूप में उभरेंगे।
सौ रुपए इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है हमें चुनाव लड़ने। हम तो कह हमें पैसा, हम गरीब तो हैं लेकिन सौ रुपए इसलिए मांगे जा रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब अगला आदमी सौ रुपए देगा तो सौ रुपए का काम भी करेगा फिर वो, क्योंकि वो उसको लगेगा कि मेरा भी इसमें पूंजी लगी है। आप बिजनेस करोगे, आप पूंजी लगाओगे तो आप भी थोड़ा मेहनत करोगे। अगर ये ढाबा खोलेगा भैया और ये पूंजी नहीं लगाएगा, पूंजी मैं लगा दूंगा तो मेहनत थोड़ी ना करेगा। अगर इसकी भी पूंजी थोड़ी सी लगी होगी तो मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? पूंजी लगी है। जैसे पुल बनाने के लिए राम ने पुल बनाने के लिए गैलरी का योगदान रहा था, ऐसे ही हर व्यक्ति का पिछोर में एक योगदान रहे।